पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने काफी आशंकाओं और अफवाहों के बीच लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को देश का अगला सेना प्रमुख चुना है। सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब की तरफ से ऐलान भी कर दिया गया है कि पीएम ने अपने पास मौजूद शक्तियों का प्रयोग करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को सेना प्रमुख के तौर पर चुन लिया है। मुनीर 29 नवंबर को रिटायर होने वाले जनरल कमर जावेद बाजवा की जगह लेंगे। जनरल मुनीर के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद शमसाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी यानी CJCSC के तौर पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि असीम मुनीर भारत में पुलवामा हमले के दौरान ISI के चीफ थे। ये माना जा रहा है कि ये जनरल भारत के साथ संबंधों की अच्छी समझ रखते हैं या फिर दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों को निपटाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। पुलवामा आतंकी हमले के बाद मुनीर का नाम काफी सुर्खियों में था। फरवरी 2019 में पुलवामा में आत्मघाती बम विस्फोट के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। उस वक्त भारत के खिलाफ पाकिस्तान में सुरक्षा नीतियों पर योजना बनाने का काम लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर के कंधों पर था। भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान वो पाकिस्तान सेना के उस दल का नेतृत्व कर रहे थे जिसे भारत के खिलाफ निर्णय लेना था। पुलवामा हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमला करना चाहिए, ये असीम मुनीर का ही फैसला था। दिलचस्प बात तो ये है कि लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर सितंबर 2022 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनका कार्यकाल बढ़ाकर 27 नवंबर कर दिया गया था। अब ये तय हो चुका है कि अगले 3 साल के लिए वो सेना प्रमुख के पद पर बने रहेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना है कि मुनीर सेना प्रमुख के लिए उपयुक्त हैं और वही पूर्व पीएम इमरान खान को सही जवाब दे सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर जनरल बाजवा के फेवरेट रहे हैं और वो चाहते थे कि मुनीर ही सेना प्रमुख बने। अक्टूबर 2018 में मुनीर को बाजवा की सिफारिश पर ही इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का चीफ बनाया गया था, लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद यानी मई 2019 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। जनरल मुनीर ने ही इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी से जुड़े भ्रष्टाचार के बारे में बताया था। इन आरोपों के बाद ही इमरान ने जनरल मुनीर को उनके पद से हटा दिया था। जनरल बाजवा के अलावा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर का नाम सबका फेवरेट रहा है। मुनीर इस समय सबसे सीनियर हैं। बताया जा रहा है कि उनका नाम प्रधानमंत्री के पास भेजी जाने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर था। सेना प्रमुख के बारे में उनके नाम का ऐलान होने से पहले वो रावलपिंडी स्थित जनरल हेडक्वार्टर में क्वार्टर मास्टर जनरल के पद पर थे। लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर ने पाकिस्तान की ओपन ट्रेनिंग सर्विस यानी OTS के जरिए सेना को ज्वाइन किया था। असीम मुनीर ऐसे व्यक्ति माने जाते हैं जो अगर सेना प्रमुख बने तो भारत पाकिस्तान के संबंध तनावपूर्ण रहेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा इसलिए क्योंकि पुलवामा हमले के बाद भारत की एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स को हमला करना चाहिए, ये असीम मुनीर का ही फैसला था। हालांकि असीम मुनीर को 1 साल के छोटे कार्यकाल के बाद ISI प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान को उनका हर समय नियमों से चलने वाला व्यवहार अच्छा नहीं लगा। इसी कारण सत्तारूढ़ PMLN का एक वर्ग उन्हें सेना प्रमुख बनाने का समर्थन करता है, लेकिन अब असीम मुनीर को देश का अगला सेना प्रमुख चुन लिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।